दक्षिणी कश्मीर के शोपिया में सीआरपीएफ जवान की गोली मारकर हत्या करने वाले हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से हथियार बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी ने लश्कर के कमांडर आबिद रमजान शेख के निर्देश पर आतंकी वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि चेक छोटीपुरा गांव में शनिवार रात लगभग 7:30 बजे आतंकी आदम के उन्होंने छुट्टी पर घर आए जवान मुख्तार अहमद को निशाना बनाया, घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी। इसके बाद मौके से भाग निकले। आतंकियों के जाने के बाद परिवार वालों ने उन्हें शोपिया जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी हासिल की। इसके बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया।